Hey guys, welcome back to my channel. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 free websites for color palette और colors की. अगर आप beginner हैं, आप figure out नहीं कर पाते हैं कि आप अपने design में कौन सा color palette use करें, तो ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाली है, क्योंकि इन वेबसाइट से आप अपनी खुद की color palette create कर सकते हैं और बहुत easily create कर सकते हैं. तो ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. So let's start. तो एज अ बिगनर स्टार्टिंग में हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम अपने डिजाइन के लिए कौन सा कलर यूज करें, कौन सी कलर पैलेट बनाएं. इवन हम अपनी कलर पैलेट भी ढंग से नहीं बना पाते, क्योंकि हमें अपनी डिजाइन से रिलेटेड कलर्स के बारे में पता ही नहीं होता है कि हम कैसे यूज करें और कौन सा कलर बनाएं, कौन सा नहीं. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम अपने डिजाइन के लिए सबसे पहले फिगर आउट करें कि हमारा मेन कलर क्या है. एग्जाम्पल, हम अगर पैकेजिंग डिजाइन कर रहे हैं तो हमारा पैकेजिंग डिजाइन रिलेटेड किससे है. एग्जाम्पल, हमारा पैकेजिंग डिजाइन जूस से रिलेटेड है, ऑरेंज जूस. तो सबसे पहले क्लिक होता है हमारे माइंड में ऑरेंज कलर. तो हमारा मेन कलर ऑरेंज है, तो सबसे पहले हम ऑरेंज को रखेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सारी कलर पैलेट डिजाइन करें. तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने मेन कलर को फिगर आउट करना एंड देन अपनी कलर पैलेट. तो ये 5 वेबसाइट्स आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं. आप बहुत इजीली अपनी कलर पैलेट डिसाइड कर सकते हैं अपने डिजाइन के लिए. तो फर्स्ट वेबसाइट इज कलर माइंड. तो कलर माइंड को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्रिएट की गई पैलेट्स मिलेंगी. यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है जनरेट, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट कलर पैलेट मिलेगी. स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको काफी सारी क्रिएट की गई ऑलरेडी कलर पैलेट मिलेंगी जो आप यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन में. सेकेंड वेबसाइट इज कलर डिजाइन. तो कलर डिजाइनर पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप इस वेबसाइट को जरूर यूज करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. अगर आप इसमें देखें तो इसमें काफी वैरायटी है. आप यहाँ पे टिंट्स आपको मिलेंगे, शेड्स आपको मिलेंगे. अगर आप नीचे देखेंगे इमेजेस भी आपको आपके कलर से रिलेटेड मिल जाएंगे, और नीचे जाएंगे आपको ग्रेडियंट्स भी मिलेंगे. तो मुझे ये वेबसाइट पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टिंट्स के आगे एक लेवल दिया हुआ है जो कि आपको 40 तक जाता है. तो आपको 40 टिंट आपको एक कलर के मिल जाएंगे. एंड ऐसे ही अगर मैं नीचे आपको दिखाऊँ शेड्स, तो शेड्स भी आपको 40 तक मिलेंगे. ऐसे ही ग्रेडियंट्स में है, ग्रेडियंट भी आपको 40 आपके एक कलर से मैच होते हुए ग्रेडियंट्स आपको मिल जाएंगे अप टू 40. तो ये वेबसाइट बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए, आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. थर्ड वेबसाइट है पैलेटन. तो पैलेटन को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऊपर ऑप्शन देखने को मिलेंगे और ये आपको कलर व्हील दिखेगा पूरा. तो यहाँ पे इस कलर व्हील को अगर हम रोटेट करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग आपको कलर्स देखने को मिलेंगे साइड में आपको एक पूरा ये स्क्वायर बॉक्स में प्रीव्यू होंगे सारे कलर्स के. अंदर एक और व्हील है, ये आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको कलर्स देखने को मिलेंगे. एंड आप स्क्रोल डाउन करेंगे इसी वेबसाइट को नीचे तो यहाँ पे एक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे आप इस वेबसाइट को कैसे यूज करें. तो आप इसको पहले पढ़ लें एंड देन आप यूज करें. ये वेबसाइट भी आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है क्योंकि इसमें भी आपको काफी ऑप्शन मिलेंगे. फोर्थ वेबसाइट है कलर टूल. तो यहाँ पे इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर्स दिखेंगे, मटेरियल पैलेट, उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो यहाँ पे आप कलर चूज कर सकते हैं, प्राइमरी कलर चूज कर सकते हैं, सेकेंडरी कलर चूज कर सकते हैं. उसके ही सामने आपको एक यूजर इंटरफेस करके ऑप्शन दिया हुआ है. तो यहाँ पे ये एक ओवरव्यू दे रहा है कि आपका यूआई पे आपके कलर्स कैसे दिखेंगे. तो ये बहुत अच्छी है चीज कि आपको एक ओवरव्यू दिख रहा है कि आपके कलर्स आपके यूआई पे कैसे दिखेंगे. तो ये वेबसाइट भी आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है. यहाँ से भी आप काफी कलर्स चूज कर सकते हैं, प्राइमरी कलर आप बना सकते हैं, सेकेंडरी कलर आप बना सकते हैं. तो ये वेबसाइट भी आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है. तो लास्ट वेबसाइट है हमारी कूलर्स. तो कूलर्स को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रेंडिंग कलर पैलेट्स का. हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पे हमें वार्म कलर, कूल कलर, डार्क टोन, लाइट टोन, काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे. और यहाँ पे एक ऑप्शन और है, आप अपनी पैलेट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं
वो आपको PNG फॉर्मेट में मिलेगी एंड देन आप उसको यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके. तो ये वेबसाइट भी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है. यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे, आपको बनी बनाई पैलेट मिल जाएगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. तो 5 वेबसाइट मैं आपको बता चुकी हूँ. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि आपको बहुत जरूरी होता है अपना मेन कलर आइडेंटिफाई करना एंड उसी के अकॉर्डिंग अपनी पैलेट बनाना. तो सबसे पहले आप अपना मेन कलर आइडेंटिफाई करें एंड इन वेबसाइट्स की हेल्प से आप अपनी कलर पैलेट भी डिसाइड करें. तो आई होप ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर होगा इस वीडियो से एंड आई होप ये वेबसाइट आपके लिए काफी यूजफुल रहे एंड इनसे आप अपनी कलर पैलेट बहुत ईजिली बना पाए. सो दिस इज इट गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए. ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं. कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. बाय गाइस.